हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट रांची क्लासेस। हम लोग यूजीसी नेट का पेपर वन का यूनिट फोर कम्युनिकेशन स्टार्ट किए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन में आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है। पहला वीडियो इसका अपलोड हो चुका है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों को देखना है। तो आज का टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत टाइप का होता है, सेवरल टाइप्स है इसका। तो इसमें से पहला हम लोग ले रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। इसमें पहला देखना होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पहला होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा देखेंगे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा होगा ग्रुप कम्युनिकेशन और चौथा होगा मास कम्युनिकेशन। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, फोर टाइप्स का होता है। इसका डिस्कशन करते हैं। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंट्रा पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि जब आप सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, जिसे कभी कभी बात होता है ना कि चोट लगता है तो ओ माय गॉड, सो सॉरी, प्रे करते हैं, तो ये सब को क्या बोलते हैं, या मन में कुछ बड़बड़ाते हैं इस टाइप का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी सेल्फ टॉकिंग, खुद से बात करना। इसमें लिखा हुआ है दिस कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल टॉकिंग, यानी सेल्फ टॉकिंग होता है इसमें, किसी अदर पर्सन से बात नहीं करते हैं, कोई अदर पर्सन का रहना कंपल्सरी नहीं है, आप अकेले हैं, खुद से बातें करते हैं। That means people self-talking with him or herself. Example दिया हुआ इसे praying, self-talking, oh my god, ये सब example हुआ intrapersonal का। Interpersonal communication, inter का मतलब क्या होता है, अलग एक दूसरे से, तो interpersonal यानी एक दूसरे person से बातचीत करना, message को convey करना, क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें मिनिमम टू पर्संस का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है, एक आप हो जाएंगे, एक अदर पर्सन हो जाएंगे, दोनों में कुछ बात होगा, वर्बल या नॉन वर्बल कुछ भी बात होगा, ओरल या रिटेन, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल बोलेंगे। इंट्रापर्सनल में क्या था कि आप सेल्फ टॉकिंग करते थे, खुद से बात करते थे, इंटरपर्सनल में क्या होगा कि आपके सामने कोई एक पर्सन होना कंपलसरी है, अदर पर्सन से बात करेंगे, उसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटरैक्ट या टॉकिंग विथ अदर पीपल या अदर पर्सन, यानी किससे बात करते हैं हम लोग, अदर पर्सन से, फेस टू फेस हो सकता है कम्युनिकेशन, या चैटिंग कर सकते हैं, या कॉल पे भी बात कर सकते हैं, उसको भी हम लोग फोन पे बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि आप प्लानिंग करके तब कुछ बात कर सकते हैं, या विदाउट प्लानिंग का भी अचानक सा किसी से मिल गए तो आप बातचीत करने लगे, क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल कहलाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कहलाएगा। फॉर्मल के आप किसी से स्पेशली टाइम दिए हुए हैं, मिलने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे मिलके, उसको फॉर्मल बोलेंगे। वर्बल मतलब बोल करके, नॉन वर्बल मतलब कि गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से बात करना। फॉर एग्जाम्पल राम टॉकिंग टू श्याम, यानी एक राम एक पर्सन हो गया, श्याम दूसरा पर्सन हो गया, यानी दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब कि मोर देन टू पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कंपलसरी है।
सिर्फ दो पर्सन से काम नहीं चलेगा, दो से ज्यादा पर्सन रहेंगे वैसे कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन बोले। जैसे आप फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, चार पांच फ्रेंड इकट्ठा हो गए, पिकनिक गए या फिर कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशंस आर क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ, यानी कि ये डे टू डे लाइफ में कॉमन है। जैसे आप क्लास करने जाते हैं या क्लास लेने जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग सिलेबस या कोई भी बातचीत कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन इज मीन्स टॉकिंग टू और मोर पर्सन, याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू और मोर पीपल, यानी दो से ज्यादा माइंडेटरी हैं, सिर्फ दो लोग रहेंगे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल। अकेला व्यक्ति बात करेगा तो इंट्रा पर्सनल, अगर दो से ज्यादा व्यक्ति बात करेंगे 8, 10, 50 तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बियॉन्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस रहेंगे, उसके बीच में मैसेज कन्वे होगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे न्यूज चैनल आप देखते हैं तो न्यूज चैनल क्या होता है, वो मास कम्युनिकेशन, उसको इसीलिए मास मीडिया भी बोला जाता है। मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज मास मीडिया, यानी मास कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, मास मीडिया भी बोला जाता है या मास कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। इट कवर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट अ सेम टाइम टू कन्वे द न्यूज एंड मैसेज एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या कहलाएगा, मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी बहुत वॉल्यूमनस पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर टीवी में कुछ स्पीच देते हैं, सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो पब्लिक एट लार्ज तक पहुंचता है, उसको ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे बल्कि मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर है न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब यूज करते हैं, ये सब भी क्या है, मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट।